सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। आप सभी का स्वागत है डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन की एक फ्रेश वीडियो में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा। दरअसल एस्पिरेंट्स को लगता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में किसी भी तरह की फीस नहीं लगती है, क्योंकि आखिर वो फ्यूचर में ऑफिसर्स बनने वाले हैं तो हमारी ट्रेनिंग में होने वाले एक्सपेंस को गवर्नमेंट ही देती होगी, जो पूरी तरह से सही नहीं है। डेफिनेटली गवर्नमेंट आपका ज्यादातर एक्सपेंस पे कर देती है, पर कुछ परसेंट आपको भी एज अ फीस इंस्टीट्यूशन को देनी होती है। सिमिलर केस आपको IITs, NITs एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। IIT बस स्टूडेंट से उनके टोटल एक्सपेंस का अराउंड 26% ही चार्ज करती है एज अ सेमेस्टर फीस, और बाकी का सारा एक्सपेंस गवर्नमेंट पे करती है। और NDA के केस में ट्रेनिंग के अलावा आप ग्रेजुएशन भी कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फीस, इनरोलमेंट फीस एंड दूसरे अदर चार्जेस भी आपको ही पे करने होते हैं। यहाँ तक तो जो आपका डाउट था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में फीस देनी होती है या नहीं, वो तो क्लियर हो गया होगा। पर जिन कैडेट्स को इस बात का पहले से आइडिया था कि NDA में आपको सेमेस्टर वाइज फीस पे करनी होती है पर एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में उन्हें नहीं पता है, तो चलिए देख लेते हैं NDA की एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर को। ये जो फीस स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं, इस फीस स्ट्रक्चर में टाइम के साथ थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, पर आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म के कैडेट से, क्योंकि फर्स्ट टर्म के कैडेट्स को काफी एडिशनल चार्जेस पे करने होते हैं। ₹3000 पर मंथ एज अ पॉकेट मनी, और इस तरह से पूरे सेमेस्टर का टोटल करें तो 5 मंथ्स के लिए आपको ₹15,000 देने होंगे। उसके बाद आपको वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रीमियम ₹6,400 का देना होगा। ये प्रीमियम देना सभी कैडेट्स के लिए कंपलसरी है। ये आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस 3 साल तक वैलिड रहेगा और इसमें कोई सेविंग एलिमेंट नहीं है, मतलब एकेडमी लीव करने पर आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको पे करना होगा ₹661 फॉर रेजिमेंटल एंड सिनेमा, ₹745 फॉर मील चार्जेस, ₹32 फॉर रबर स्टैम्प, ₹50 ईच फॉर PT नंबर, ₹10 फॉर लेमिनेशन ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, ₹750 फॉर कॉफी टेबल बुक, ₹370 फॉर न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, ₹413 फॉर प्रेयर बुक, ₹21,720 फॉर क्लोथिंग, ₹15 फॉर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन एंड ₹4,000 एज अ इनरोलमेंट फीस। और इस तरह से टोटल करने पर बीटेक कैडेट्स का टोटल हो जाता है ₹62,247 एंड ग्रेजुएशन कैडेट्स का टोटल हो जाता है ₹60,247। इन सब के अलावा कैडेट्स को ₹10,000 कैश ज्वाइनिंग के वक्त लाने के लिए एडवाइस किया जाता है, ताकि वो इनिशियली एकेडमी में सेटल हो सके एंड अपने पर्सनल एक्सपेंस को भी कवर कर सके। कोई भी कैडेट एकेडमी में ₹10,000 कैश से ज्यादा नहीं ला सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब अगर बात करें सेकेंड टू फिफ्थ टर्म की कैडेट्स की, तो उन्हें मेनली पॉकेट मनी, मील चार्जेस, रेजिमेंटल एंड सिनेमा चार्जेस का टोटल ही पे करना होता है। सिक्स टर्म कैडेट्स को इन सारे चार्जेस के साथ पेरेंट्स अकोमोडेशन चार्ज भी देना होता है, क्योंकि पासिंग आउट परेड के टाइम पे एकेडमी पेरेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। इन सब के अलावा अगर आपको एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव या डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे रेलिगेट किया जाता है, तो आपको ₹1,160 हर एडिशनल टर्म के लिए देने होंगे। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, तो आपके लिए काफी सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। इस टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप इंस्टाग्राम पे हमें यानी डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज, अपडेट या एग्जाम नोटिफिकेशन मिस ना हो। जय हिंद।